आज की वीडियो में आपको दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी और उनके फैमिली प्लान्स के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दीपिका और रणवीर सिंह बॉलीवुड का एक पावर कपल माना जाता है। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की एक पॉपुलर जोड़ी है। अनुष्का विराट और करीना और सैफ की बेबी के बाद अब हर जगह दीपिका और रणवीर के बेबी की बातें हो रही हैं। दीपिका अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ काफ़ी अलग अलग रखती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती और उसको पर्सनल ही रखती हैं। दीपिका ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया है और बहुत ही कैंडिडली और ओपनली अपने और रणवीर सिंह के बारे में बात की है। दीपिका ने बताया कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं और अपने कैरियर से भी उतना ही प्यार है। दीपिका का कहना था कि वो मदर बनने के बाद भी इतनी जल्दी एक्टिंग नहीं छोड़ेंगी और वो शूट्स पर भी अपने बेबीज़ को अपने साथ ही लाया करेंगी। उनका ये भी कहना था कि वो अगले 10 साल में अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए 3 बेबीज़ चाहती हैं। वो और रणवीर दोनों ही अपने बेबीज़ को अपने टफ स्केड्यूल में से इजीली टाइम दे देंगे क्योंकि वो दोनों फैमिली ओरिएंटेड हैं और फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। दीपिका फिलहाल कोविड पॉजिटिव हैं और अपनी फैमिली के साथ क्वारंटीन हैं। उनकी फैमिली में उनके मदर फादर और उनकी सिबलिंग भी इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं और वो सब ही क्वारंटीन हैं। दीपिका और रणवीर बहुत जल्द पेरेंट्स बनने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखना ये है कि बाकी फेमस सेलिब्रिटीज़ की तरह दोनों अपना बेबी कब प्लान करते हैं और इसके बारे में कैसे अनाउंस करते हैं। आपको दीपिका के इस इंटरव्यू के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।